ओके स्टूडेंट्स, सो हेयर आई एम विद यू अगेन। एंड आज का टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कहा था, आई विल ट्राई टू मेक MOT इजी फॉर यू। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप लोगों के लिए इजी करना चाहूँगा। तो ये कैसे मैं इजी कर सकता हूँ? सबसे पहले तो आपको मैंने पहले बताया कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। वो आप इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, आप उसको बुक से भी देखेंगे, यू विल कम टू नो अबाउट इट। वैसे मैंने भी लास्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया है, तो प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है। सो अब हमारे पास जो है यहाँ पे सबसे बड़ी जो यू कैन से दैट गेम है, यू कैन से इट एज अ गेम, क्योंकि ये साइंसदानों ने कुछ एनर्जी ट्रांजिशंस निकाले हैं। उन्होंने कहा है कि भाई जो जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स में मुख्तलिफ होती है, ठीक है? अभी अभी जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है वो क्या होती है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो इसकी हम बात बाद में करते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अभी ऑक्सीजन फ्लोरीन को मैं नॉमिनेट नहीं कर रहा हूँ, इनके लिए नॉमिनेट कर रहा हूँ, दोनों के लिए। और यहाँ पे भी मैं नॉमिनेट करूँगा इनके लिए। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि हमारे पास एक, इस वक्त मैंने आपको ये जो लाइन्स बनाकर दिखाई हैं ये क्या है, ये देखें, ये एक एनर्जी लाइन है, राइट? दैट इज द एनर्जी लाइन जिसमें मैं ये डिसाइड करूंगा कि एनर्जी क्या है, मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स की जो है वो एनर्जी क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि एवरीबडी नोज दैट कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो पहले कौन सा सबशेल आता है, 1s, ठीक है? अब डेफिनेटली जब किसी ने कोवलेंट बॉन्ड बनाना होता है, दो एटम्स करीब आते हैं, तो इसका भी 1s करीब आएगा और इसका भी, यानी SS करीब आएंगे, राइट? तो हमने ये पढ़ा है कि एस के जब SS आपस में मिलते हैं तो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी बनाते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी बनाते हैं, अगर आपको याद होगा, राइट? ऐसे जब आपस में मिलते हैं तो दे मेक बॉन्डिंग लाइक दिस, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंड दे ऑल्सो मेक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लाइक दिस। आई गेट इट? सो यहां पर देखें, ये एस है और ये भी क्या है, 1s। अब कहते हैं ये एनर्जी में सबसे कम है, ठीक है? 1s यानी ये जो एस है, 1s सिग्मा, ये एनर्जी में कम है, लेस है, किससे? 1s सिग्मा स्टार से। ये देखें, ये 1s है और ये है 1s, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो जब मिलेंगे तो फिर 1s सिग्मा बनेगा, ठीक है? 1s क्या बनेगा, सिग्मा, दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और साथ क्या बनेगा, 1s सिग्मा स्टार, ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है? यानी दे, ये जो है एनर्जी में कम होगा और ये एनर्जी में ज़्यादा होगा। तो देखें, ये एनर्जी लाइन है तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है? ये नीचे आ रहा है एनर्जी में, और ये जो है ये कहाँ आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये एनर्जी में कम है और ये एनर्जी में ज़्यादा है। अच्छा, आगे आते हैं। अब देखें, जब चलें, ये हो गया 1s, राइट? 1s में 1s सिग्मा भी हो गया, 1s सिग्मा स्टार भी हो गया। अब आगे कौन सा ऑर्बिटल आता है, 2s, सेम स्टोरी, 2s सिग्मा एंड 2s सिग्मा स्टार, दोनों एटम्स के जब आपस में मिलेंगे, राइट? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2s सिग्मा एंड इज लेसर इन एनर्जी देन 2s सिग्मा स्टार। तो यू कैन से दैट कि ये लेसर है इससे, ठीक है? तो आप इसको इसके यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी 2s सिग्मा लेसर है एनर्जी में ठीक है, और 2s सिग्मा, और 2s सिग्मा स्टार जो है वो इज देयर विद द ग्रेटर एनर्जी। ये थोड़ा मैं आई थिंक सो दैट्स नॉट द गुड पॉइंट व्हाट आई एम मेकिंग अराउंड हेयर, ठीक है? तो 1s ये लेसर एनर्जी है, ऊपर जिस तरह आप ऊपर जाएंगे ग्रेटर एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, राइट? सो दैट्स द एनर्जी लाइन। व्हाट यू आर वंडरिंग अराउंड हेयर इज दैट कि ये लेसर एनर्जी है और ये ग्रेटर एनर्जी है, ठीक है? दैट इज अ लेसर एनर्जी, दैट इज ग्रेटर एनर्जी, यू आर इंक्रीजिंग एनर्जी विद लाइन, यू आर इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। सो 1s इज लेसर एनर्जी एज कम्पेयर टू 1s सिग्मा स्टार, ये लेसर एनर्जी, ये ज्यादा एनर्जी है, और ये जो है लेसर है एनर्जी में इससे, और ये है लेसर एनर्जी में इससे। उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो देर इज 2px ऑर्बिटल, राइट? देर इज 2px ऑर्बिटल जो कि एनर्जी में थोड़ा सा लेसर होगा,
और ये एनर्जी में 2PY और 2PZ इनमें डेफिनेटली पाई बॉन्ड होता है, तो 2PY पाई 2PZ पाई बॉन्ड जो है ये थोड़े से एनर्जी में ज्यादा होंगे। और इसके अलावा यू कैन से दिस 2PY पाई स्टार जो है एनर्जी में इनसे भी ज्यादा होंगे, और 2PZ पाई स्टार जो है एनर्जी में एज कंपेयर टू बराबर होंगे। यू कैन से दैट कि 2PX सिग्मा ठीक है इज लेसर इन एनर्जी देन 2PY पाई, और 2PY पाई बराबर है एनर्जी में 2PZ पाई के। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं ये लेसर हैं किससे, इनसे। ये देखें ना नीचे आ रहे हैं एनर्जी लाइन में, नीचे आ रहे हैं, तो यू कैन से दैट 2PY पाई स्टार बराबर है एनर्जी में 2PZ पाई स्टार के। ठीक है, और उसके अलावा आप देखें जो ये दोनों जो हैं ये लेसर एनर्जी में 2PX सिग्मा स्टार के। ठीक है, तो दैट इज द थ्योरी, तो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो देयर्स बीन बिट काइंड ऑफ हसल अराउंड हियर, यू जस्ट डोंट नीड टू बी हसल्ड। आप सिंपली इस डायग्राम को देखकर भी अपने कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं कि जो एस ऑर्बिटल्स हैं दे आर लेसर एनर्जी देन दी 2s ऑर्बिटल्स, 2s ऑर्बिटल्स लेसर एनर्जी है 2p ऑर्बिटल्स में, और फिर उनकी आगे से एनर्जी ट्रांजिशन हैं, यानी जो एस ऑर्बिटल्स हैं उनमें सिग्मा है और सिग्मा स्टार है, 2s ऑर्बिटल में भी 2s सिग्मा है सिग्मा स्टार है, और फिर डेफिनेटली 2PXYZ तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट, 2PX, 2PY, 2PZ। अब 2P जो X है जो सिंपल यू कैन से दैट के खाली सिग्मा है, राइट, तो वो जो है लेसर, सबसे लेसर है एनर्जी में एज कम्पेयर टू 2PY एंड 2PZ, ये थोड़े से एनर्जी में ज़्यादा है। इसके अलावा जो इस साइड से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो वो 2PY एंटी बॉन्डिंग पाए जो है वो बराबर हैं 2PZ के, और उसके अलावा सबसे जो यू कैन से ज़्यादा एनर्जी होगी वो 2PX सिग्मा एनर्जी इसकी होगी, 2PX सिग्मा स्टार की एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होगी। अब इस केस में अगर हम देखें तो यू कैन से दैट कि यहां पे S की जो एनर्जीज हैं दे आर सम हाउ कोलेटरल, यानी एक तरह की हैं जो यहां पर लाए करती हैं। ठीक है, दे आर सम हाउ सेम, सो यू कैन जस्ट ड्रॉ द थिंग्स हियर, दैट इज सिग्मा स्टार फॉर 1s, राइट, फॉर 1s, और यू कैन जस्ट इसके अलावा देखें ये 2s है, और 2s इफ यू जस्ट थिंक अबाउट 2s, तो 2s में ये क्या है, 2s सिग्मा, राइट, 2s सिग्मा, एंड दैट इज 2s सिग्मा स्टार। अब आ जाती है बारी किसकी, 2p की, राइट, 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। तो इसमें अगर हम देखें अब एनर्जी ट्रांजिशन को, तो दैट इज अ बिग पॉइंट टू लर्न अबाउट इट, राइट। सो अब वट वी गोना लर्न इट फ्रॉम ओवर हियर इज दैट, अब ये 2px और 2PY ये एनर्जी में बराबर होंगे। ठीक है, अब ये 2PX 2PY में कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, तो यू गोना राइट पाई ओवर हियर, और उसके बाद आएगा 2PX, 2PX क्या होता है, सिग्मा होता है, ठीक है, इसकी एनर्जी आएगी, उसके बाद फिर व्हाट गोना राइट 2PY एंड 2PZ, ये कौन से हैं, पाई स्टार, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, राइट, पाई स्टार, ये क्या है, पाई स्टार, और उसके बाद कौन आएगा, 2PX 2PX सिग्मा स्टार, राइट। सो दैट्स द थ्योरी, इसमें बिल्कुल इस चीज के ऑल्टरनेट देखें आप, यहां पे 2PX नीचे है और 2PY और 2PZ ऊपर है, और दोनों एनर्जी में बराबर हैं, यहां पर 2PX और 2PY नीचे एनर्जी में बराबर हैं, यानी इनकी एनर्जी जो है दैट इज लेस देन दैट ऑफ PX, और वहां पे 2PX की एनर्जी जो है वो लेस एज कंपेयर टू 2PY एंड 2PZ, और यहां पर देखें जो 2PY और 2PZ एनर्जी में बराबर है ये पाई स्टार्स में आ रहे हैं, और सबसे कम, सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो 2PX की, वहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी जो है, सॉरी, सो देयर इज अ बिट मिस्टेक अराउंड हियर इज दैट यू गोना राइट 2PX सिग्मा स्टार ओवर हियर, राइट, यू गोना राइट 2PX सिग्मा स्टार ओवर हियर एंड 2PY एंड 2PZ, इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, राइट, ये पाई स्टार है, और ये भी क्या है, पाई स्टार, और ये क्या है, सिग्मा स्टार, इसकी एनर्जी जो है इनसे कम होगी, राइट। सो दैट्स द एनर्जी टेबल फॉर द बोथ ऑफ द डायग्राम्स।
तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए. अगर ये आपको आइडिया थोड़ा सा क्लियर होगा देन द थिंग्स विल बी ओके फॉर यू एंड यू विल बी एबल टू लर्न. अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे और ये एनर्जी ट्रांजिशंस को उस एग्जाम्पल्स में भी मजीद हम सीख सकेंगे. राइट, सो लेट्स लेट लेट मी आई विल टॉक यू टू इन द नेक्स्ट लेवल. थैंक यू सो मच, दैट्स इट.